हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे बासी चावल से नई स्टाइल में एक रेसिपी है जो नाश्ता शाम के समय आप बना लें या मॉर्निंग के समय बनाएं और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप एंड तक बने रहिए और एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा आप। जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था ना, उसी कटोरी से हाफ कटोरी मैंने सूजी लिया है, उसी कटोरी से हाफ कटोरी मैं दही लूँगी। और दही खट्टा हो या फ्रेश, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, एक दिन का भी बासी चलेगा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ लहसुन, अगर आपके पास अदरक आपको डालना हो तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। मैंने लहसुन को कूट के डाला है कि पीसते समय इसका चंक ना रहे। इसमें हरी मिर्च स्वाद अनुसार आप डाल लीजिएगा, धनिया का पत्ता भी मैंने डाला है, रफली चॉप करके ही डाल दिया है मैंने। और एक साथ मैंने पीसने गई लेकिन पीस नहीं पाई हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही पीसिएगा। इसका बैटर का कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स, सेम ऐसा ही रहना चाहिए। इसे 5 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जिस भी प्लेट में या जिस चीज में भी आपको स्टीम करना है उसको आप ग्रीस कर लीजिए। इसमें मैंने वाइट नमक, फिर काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल करके मैं मिला लूँगी। अच्छे से फेंट लेंगे इसे। अब मैं दो पार्ट में इसे डिवाइड कर रही हूँ, एक साथ ज़्यादा नहीं स्टीम कर पाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 चम्मच इनो पाउडर, आप मीठा सोडा भी ले सकते हैं, बट इनो थोड़ा ज़्यादा ही हल्का कर देता है। और एक चीज़ मैं इसमें एक चीज़ बताऊँगी फ्रेंड्स, आप नोटिस करिएगा कि जब भी आप स्टीम करने के लिए डालोगे ना, तो ये 15 मिनट के बाद भी आप अगर चाकू लगा के देखोगे कि ये सूखा निकले तो सूखा नहीं निकलेगा, वो चिपचिपा ही रहेगा। बस 15 मिनट से 20 मिनट मैक्सिमम आपको इसको स्टीम करके निकाल कर ठंडा कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद से ही आप उसे काटना। यहाँ पे हम बना रहे हैं चटनी, इसके साथ नाश्ते के साथ जो हमारी चटनी होगी चटपटी सी, वो है जैसे जीरा, मैंने तेल में जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है, प्याज डाला है, 1 से 2 लहसुन था वो डाल दिया, रफली चॉप करके मैंने टमाटर डाला है, रफली चॉप मैंने प्याज भी किया है डाला है फ्रेंड। इसमें नमक और कश्मीरी लाल मिर्च, बस यही जाएगा। और जब तक ये पक नहीं जाता है फ्रेंड्स, तब तक इसे पकाना है। जब ये ठंडा हो जाए तो बस आप इसको पीस लो, और कोई झंझट नहीं है। और इतना ये टेस्टी चटनी बनता है ना कि पूछिए मत। मैंने यहाँ एक लाल मिर्च खड़ा ही डाल दिया है, राई है और कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता मस्ट है इसमें, और डालोगे तो इसका स्वाद काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। और ये देखिए काफ़ी गाढ़ा भी है, आप इसमें चाहे तो पानी अपने अनुसार मिला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने वो स्किप किया है, बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग के पास उतना चीज़ नहीं है हर चीज़ का दिखाने का। बट मैंने जो बोला है उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप चाकू लगा के देखेंगे ना तो वो गीला ही आएगा, इसलिए आप निकाल करके उसे रख दीजिएगा। जब ठंडा होगा ना तो इस टाइप से आपको पनीर के जैसा आ जाएगा निकल करके। और बहुत ही इसे भी हम जैसे ढोकला को आप एक अच्छा सा फ्राई कर लेते हो ना, तो बस इसे फ्राई करना है। इसमें हमें चीनी वगैरह ये सब चीज़ का जूस नहीं डालना है, क्योंकि ढोकला जो बनता है वो कच्चे चावल का बनता है, और ये जो हम नाश्ता बना रहे हैं ये पका हुआ चावल का बना रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये हर कोई आपको ये बात नहीं बताएगा, बट जो मैं बता रही हूँ उसे आप समझिएगा ज़रूर, और वैसे ही आपको करना है। इसलिए इसे 15 मिनट स्टीम करके बाहर निकाल लीजिएगा और फिर मनचाहा आकार डिज़ाइन में काट करके खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी। ये नेक्स्ट जो बचा था मेरा बैटर ना, तो नेक्स्ट शिफ्ट वाला मैंने उसको भी स्टीम किया था, तो देखिए काफ़ी थिक है, मोटा है, और इसे मैं बिना ही उस फ्राई किए ही और ऐसे ही खाएंगे सब, और बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ये जब ठंडा हो जाता है ना तब इसे काटने में अच्छा आप काट सकते हैं किसी भी डिज़ाइन में किसी भी तरह। ये देखिए सॉफ्ट और नरम है और बहुत ही फ्लफी है, बहुत ही फ्लफी, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा ये नाश्ता है। चावल बचता है तो कितने लोग फेंक देते हैं या अनसेसरी
फालतू चीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट रेसिपी एक और मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स इसी के साथ, कि जो बासी चावल से आप नेक्स्ट रेसिपी और भी बना सकते हैं वो है, चलिए मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैं चावल डाल के, उसके जैसे मैं गलती की नहीं करूँगी कि एक साथ पीसूंगी, थोड़ा थोड़ा चावल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसी तरह की कंसिस्टेंसी रहेगी फ्रेंड्स। देखिए एकदम लय के जैसा ना, जैसे हलवा रहता है उस टाइप में। और इसमें मिला दिया है मैंने नमक, लाल मिर्च और इसमें मिलाया है मैंने तीसी। जैसे हम लोग के यहाँ बिहार में तिसौरी बनता है फ्रेंड्स, ठंडी उंडी खिचड़ी पे ना, मकर संक्रांति वगैरह में खाने के लिए। तो इस चीज़ से भी आप तिसौरी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कच्चे चावल से ही। पका है, गर्मी का दिन है, आप डाल दो, आपका सूख गया। तिसौरी हर महीने में खाने को मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने डाला है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। अगर आप मीठा सोडा नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने बेकिंग सोडा भी बताया है। और मैंने एक पिंच मैंने यहाँ फूड कलर डाला है, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगने के लिए उसको। और ये जो बनेगा, दो तरह का मैंने नाश्ता आपके सामने पेश किया है, शेयर भी किया है। तो ये तीसी थोड़ा कम था तो इसलिए और मैंने बनाया। और मैं इससे यहाँ पे मैं सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ ग्रीस करने के लिए, क्योंकि इस पे ना मैं रिफाइंड यूज़ करूँगी ना तो घी, क्योंकि उसका स्वाद जो है ना थोड़ा सा अलग आ जाएगा। और यहाँ मैंने ले लिया है व्हिपिंग बैग, नहीं लिया है क्योंकि हर जगह व्हिपिंग बैग हर लोग के पास नहीं होता है हर घर में। तो दूध का पैकेट होगा या फिर नमक का पैकेट होगा या कोई भी चीज़ का पैकेट होगा ना फ्रेंड्स, तो बस आप उसमें डालो और डालकर बस मेरे जैसे क्रिएटिविटी जो भी आता है आपको आप बना लो और धूप में बालकनी में रख दीजिए पूरे टाइम के लिए। शाम को आपका चाय के साथ नाश्ता एकदम रेडी हो जाएगा। देखिए हर जगह एक औरत होती है ना कि एक साइंटिस्ट के जैसे उसकी माइंड चलती है, क्रिएटिविटी हर जगह करते रहती है। तो चलो कम से कम फ्रेंड्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे खुशी मिलती है कि आप प्लीज़ इसे एक बार बनाइएगा ज़रूर। आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने बेकार चीज़ से भी बहुत अच्छा चीज़ बनाया, और घर में तारीफ भी बनेगी आपकी। तो इस टाइप से हम ले लेंगे और अपने जैसा आपको डिज़ाइन डालना है ना वैसा ही आप छोटा सा ही आप काटिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो मोटा मोटा हो जाता है। तो मैंने जलेबी की जैसे ही ये बनाया है पूरा। आप प्लास्टिक शीट ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि ट्रे या थाली इस टाइप से लें, प्लास्टिक शीट ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बट मेरे पास इतना ही था, थोड़ा ही था, तो इतने चीज़ के लिए तो इतना काफ़ी है। अब ये देखिए मेरी जलेबियाँ तैयार हो गई हैं। और एक ही ट्रे नहीं हुई है, थोड़ी बची हुई थी तो एक प्लेट और भी हो गई है, इसमें मिर्ची भी मैंने बनाया था। अब यहाँ देखिए ये सूख गई। और फ्रेंड्स ये इतनी टेस्टी लगेगी ना, बट क्या है ना तीसी गर्मी में थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा हीट करता है, तो आप यहाँ पे तिल भी यूज़ कर सकते हो या कुछ भी मत डालिए, आप ऐसे भी बनाइए और बिना सादा और चाय के साथ शाम के समय। तो एक मैंने सुबह का नाश्ता आपके साथ शेयर किया, एक शाम का किया। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ आप शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। कुछ जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, जब अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ शेयर करना भी ना भूलें, यह रिक्वेस्ट है मेरी। और कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कॉमेंट्स बॉक्स में। बाय बाय। बाय बाय।